नमस्कार, आज वीडियो रे आसंतु आमे जगन्नाथ दासंकर जो ग्रंथ गुड़िक आलोचना करिबा पई आमे रखी आरो वीडियो रे आमे रखी देथिले सेही ग्रंथ गुड़िक संपर्क रे आलोचना करिबा। तेणुकरी आज आम जो ग्रंथ गुड़िक आलोचना करिबा से ग्रंथ गुड़िक मध्यरे ब्रह्मगीता ब्रह्मज्ञान संबलित एक असंपूर्ण भावरे प्रकाशित तात्विक ग्रंथ हेउची ब्रह्मगीता। एथिरे प्रथमे संस्कृत श्लोक ओडिया गद्य ओ पद्यर एक मधुर समन्वय देखिबाकु मिले। एटा थरे बाईटा क्वेश्चन रे आसीबार संभावना अछि काहेकि ना तांकर केउ ग्रंथरे प्रथमे संस्कृत श्लोक ओडिया गद्य ओ पद्यर एक मधुर समन्वय देखिबाकु मिले बोली क्वेश्चन पड़ीथिला। तेणुकरी जगन्नाथ दासंकर केउ ग्रंथ कहिले एहा ब्रह्मगीता, जेउं ब्रह्मगीता ग्रंथरे कि सर्वप्रथमे संस्कृत श्लोक परे ओडिया गद्य ओ पद्यर एक मधुर समन्वय देखिबाकु मिले। एहा मध्य श्रीकृष्ण ओ अर्जुनक उक्ति प्रत्युक्तिरे वर्णित अटे। यहाँ दारु ब्रह्मगीता तीन अध्याय विशिष्ट एही ग्रंथटी शुक परीक्षितक उक्ति प्रत्युक्ति छळरे लिखित। शुक मुनि और परीक्षितक उक्ति प्रत्युक्ति छळरे यहाँ लिखित। एथिरे दारु ब्रह्म जगन्नाथक संबंधरे निम्नलिखित आख्यायिकाटी स्थान पाई। से निम्नलिखित आख्यायिकाटी कौन ना एथिरे वर्णित होई जे पांच पांडवंक आगमन ओ शरीर दहन श्रीकृष्णंक मृत शरीर को चंदन काठरे खटरे आनयन चंदन काठर खटरे आनयन पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वर्ग द्वार ठारे मृत पिंडर दाह इत्यादि अल्प केतोटी कथा व्यतीत अन्य सबु स्कंद पुराणर अनुरूप अटे। एथिरे वर्णित अछि जे 16 दिन परे चतुर्धा मूर्ति सिंहासनरे विराजमान करिछंती। एही ब्रह्मगीता कृतिटी गुजरी बा नवाक्षरी वृत्तरे रचित अटे। गुप्त भागवत ग्रंथटी 24 अध्याय विशिष्ट एक तात्विक ग्रंथ। एथिरे मध्य शुक मुनि ओ परीक्षितक उक्त प्रत्युक्ति छळरे रचित। एथिरे 24 एकादशीर महात्म्य व्यास ओ शुकंक जन्म रहस्य ओ सृष्टि तत्व संपर्कीय बहु तथ्य परिवेशित होईछि। भागवतर केतेक गुप्त तथ्य एथिरे थिबारु एहाकु गुप्त भागवत बोली कुहा जाय अछि। ताले गुप्त भागवत काहेकि नामकरण करागला ना भागवतर किछि गुप्त तथ्य एथिरे रही जाइथिबारु तेणुकरी एहाकु गुप्त भागवत बोली कुहा जाउ अछि। शुक महामुनि प्रथमे फाल्गुन मास एकादशी सम्बन्धरे ही कहिछन्ति। क्वेश्चन भी आसीपारे जे गुप्त भागवतरे केउं एकादशी बा केउ मासर एकादशी प्रसंग सर्वप्रथमे आलोचना करा जाय थिला ता हेउची फाल्गुन मास एकादशी कथा सर्वप्रथमे आलोचना करा जाय थिला। एही एकादशी रे विष्णु सेवा कले भक्तर सकल पाप क्षय होय बोली कहा जाय अछि। जो फाल्गुन एकादशी सेथिरे जदि जणे एकादशी पालन करे ताने भक्तर समस्त प्रकार पाप क्षय हुए बोली कहा जाउछि। तापरे आउ एक रचना ता हेउछि शैवागम भागवत। एही शैवागम भागवत एक अप्रकाशित ग्रंथ। एथिरे 32 गोटी अध्याय रहिछि। एहा नवाक्षरी वृत्तरे वर्णित शिव ओ पार्वतीक उक्ति प्रत्युक्ति माध्यमरे एथिरे कृष्ण चरित वर्णित। शैवागम भागवतरे कहार चरित वर्णित बोली भी मध्य क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि। एटी उक्ति प्रत्युक्ति किए कहार कथोपकथन रहिछि
ना शिव ओ पार्वतीकर किंतु कहा संपर्क रे ना कृष्ण चरित्र संपर्क रे एठी आलोचना करा जाय अछि। राधा समेत गोपी मानंकर पूर्व जन्म वृतांत श्रीकृष्णक जन्म वृतांत परकिया तत्वर दार्शनिक सिद्धांत इत्यादि एथिरे वर्णित अटे। यहापर शून्य भागवत एही शून्य भागवत ग्रंथटी मध्य अप्रकाशित अटे। अठारु क्ष पर्यंत स्वर ओ व्यंजन वर्ण क्रमरे विभिन्न अध्याय लिखित गुजरी बा नवाक्षरी वृत्तरे एही शून्य भागवत रचित। तापरे मन शिक्षा एथिरे जीवात्मा मध्यरे परमात्मार सूचना दिया जायोछि। मन को शिक्षा दिया जिबा निमन्ते एही ग्रंथ रचनार मुख्य उद्देश्य हेउछि उद्देश्य होइथिबारु यार नाम हेउछि मन शिक्षा। माने मन को शिक्षा दबा हेउछि एही ग्रंथटीर मुख्य उद्देश्य अटे। महाभारत जगन्नाथ दासंक द्वारा जो महाभारत ग्रंथटी रचित होइछि सेई बा एही महाभारत ग्रंथटी सारला महाभारतर एक संक्षिप्त सार संग्रह बोली कहा जाय पारे। ग्रंथटी मध्य नवाक्षरी बा भागवत वाणी रे रचित। रासक्रीड़ा शुक परिकित उक्ति प्रत्युक्ति मध्यरे एहार विषय वस्तु गतिशील। दशम स्कंद भागवतर पांच गोटी अध्याय सन्निवेशित करा जाई एक स्वतंत्र ग्रंथरे परिणत करा जाय अछि। भागवतरु पांच गोटी जो अध्याय निया जाय छि ताकू नेकी एक स्वतंत्र ग्रंथ रासक्रीड़ा ग्रंथटी को परिणत करा जाय छि बा एक स्वतंत्र ग्रंथरे ताकू परिणत करा जाय अछि। संस्कृत भागवतर दशम स्कंदर 29 30 31 32 33 अध्याय को पांच गोटी अध्याय को रास पंचाध्याय बोली कहा जाए। मात्र मूल दशम स्कंदर प्रथम अध्यायटी को स्वरचित ग्रंथरे जगन्नाथ दास दुईटी अध्याय रे परिणत करिथिबारु ओडिया भागवतर दशम स्कंदर अंश 31 32 33 33 अध्याय पांचटी रास पंचाध्यायी बा रास क्रीड़ा भावरे परिचित। मुँ आउ थे कही रखुची जहाँ संस्कृत मूल भागवत 29 30 31 32 33 जो अध्याय दशम स्कंदर ए जो पांचटी अध्याय को रास पंचाध्याय बोली कहा जाए ताहा जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवत रे टिके व्यतिक्रम लक्ष्य करा जाए। तार कारण हेउची जगन्नाथ दास दशम स्कंदर प्रथम अध्याय को जेहेतु दुई भागरे विभक्त करि देइछंती तेणु करी जहाँ संस्कृत भागवत रे 29 अध्याय ताहा जगन्नाथ दासंकर 30 अध्याय ताहा 29 रु 33 अध्याय पर्यंत परिव्याप्त हेला बेले जगन्नाथ दासंक भागवत 30 रु 34 अध्याय पर्यंत रास पंचाध्यायी बा रास क्रीड़ा ग्रंथटी परिव्याप्त अटे। शरत कालरे एक मनोरम सायन्नरे जमुना तटस्थ कुंजवनरे रास क्रीड़ार अवतारणा करा जायछि। भागवत वाणी बा नवाक्षरी वृत्तरे एहा रचित। एहार भाषा मध्य अति सरल हेतु एहाकु चाटशाळी मानंकरे पिलामानंक द्वारा पुराण पुथी रूपे पठित हुए बा पिलामाने मध्य एहाकु पठन करि पारंती जेहेतु एहार भाषा अत्यंत सरल अटे। तापरे आउ एक ग्रंथ पाषाण्ड दलन एही ग्रंथरे 74 संस्कृत श्लोक प्रदत्त होई सेगुडिकर ओडिया पद्यानुवाद करा जायछि। एही श्लोक गुडिक नीति शिक्षामूलक विभिन्न धर्मीय चिंताधारा रे परिपुष्ट।
आउ एक ग्रंथ मृगुणी स्तुति एथिरे संस्कृत श्लोक और ओडिया पद्यर अपूर्व समन्वय घटी। संस्कृत रे तीन गोटी श्लोक ओडिया रे नौ गोटी पदर समाहार। एही ग्रंथटी आषाढ़ शुक्लवाणी छंदरे लिखित। मुझे कही रखुची संस्कृत रे जेउंटी तीन गोटी श्लोक रहुची सेठी ओडिया रे नौ गोटी पदर समाहार। एही ओडिया संस्कृत बा संस्कृत और ओडियार समन्वय देखा मिले मृगुणी स्तुति ग्रंथरे। गज स्तुति बा गज निस्तारण एही ग्रंथ मात्र सात पृष्ठार एक ग्रंथ अटे। यार विषय वस्तु उद्धव और श्रीकृष्ण कथोपकथन रीति रे उपस्थापित। वैशाख एकादशी सरजू नदी कुंभीर हस्तिकथाठी उल्लेख करा जाइछि। कुंभीर नाम विकर्मा हस्तीर नाम कुंभक। गुजरी बा भागवत बाणी रे यहाँ रचित एही गज निस्तारण ग्रंथटी। गजर नाम हेउछि कुंभक आउ कुंभीर नाम हेउछि विकर्मा। तापर आसंतु षोल चौपदी। एहा षोहल गोटी चौपदीर समाहार। कविंक अप्रकाशित नौ अध्याय विशिष्ट संस्कृत रचना वैष्णव आचरणर सार कथा एथिरे संक्षेपरे वर्णित करा जायछि। राधा मंजरी एही ग्रंथरे प्रथमे संस्कृत श्लोक दिया जाई तापरे अर्थ ओडिया पद्यरे दिया जायछि। प्रथमे संस्कृत श्लोक दिया जायछि तापरे ताको ओडिया पद्यरे अनुवाद बा ओडिया पद्य सेथिरे से संस्कृत श्लोकर अर्थ को ओडिया पद्यरे उल्लेख करा जाई अछि। पंचसखांक धर्म ओ ओडिसी वैष्णवर धर्मर स्वरूप को एथिरे प्रकाश करा जाई अछि। तांकर आउ एक ग्रंथ श्रीनाम चंद्रिका। श्रीनाम चंद्रिका ग्रंथरे उद्धव ओ श्रीकृष्णक कथोपकथन रीति रे एथिरे रहिछि महामंत्र जंत्र ओ योग संपर्कीय वर्णना। कली युगरे घटिबाकु थिबा केतेक भविष्यतवाणी सहित एहा समाप्त होइछि। ग्रंथटी नवाक्षरी वृत्तरे रचित अटे। परवर्ती समय जदि तांकर आउ अन्यान्य ग्रंथ कथा आमे देखिबा सेथि मध्यरे आसुछि पद्मपाद सुधानिधि। एही पद्मपाद सुधानिधि ग्रंथटी अप्रकाशित अटे। एथिरे 30 अध्याय रहिछि। जगन्नाथ चरितामृतरे वर्णित पंचसखा प्रसंग पंचसखा चैतन्य प्रसंग एथिरे वर्णित। एथिरे जगन्नाथ दासंक 16 शिष्यंक नाम उल्लेख करा जाइछि। एही ग्रंथटी रो विशेषत्व हेउछि स्थूल विशेषरे थिबा स्थल विशेषरे थिबा गद्यर वर्णना। जगन्नाथ दासंकर आउ एक ग्रंथ नित्य नीलाद्रि विलास। जैनिक शिष्य हरिदासंक प्रश्नर उत्तररे परम साधक जगन्नाथ दास ताहंकु षोल नाम 32 अक्षर तत्व सम्बन्धरे सम्यक ज्ञान प्रदान करिछन्ति। जगन्नाथंक तीनि धूप ओ पांच अवकाश को अष्टकाल होम बोली एथिरे कहुछि। आउ एक ग्रंथ क्षेत्रवर चौतीसा। क्षेत्र हेउछि पुरुषोत्तम क्षेत्र बा नीलाचल धाम। एही ग्रंथरे क्षेत्रर महात्म्य प्रख्यापन करा जायछि। एहा चौतीसा रीतिरे रचित। भूगोल एकादश स्कंद तांकर एक ग्रंथ। एथिरे प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत। एकादश स्कंदर विषय वस्तु संक्षिप्त रूपे तथा आत्मज्ञानमूलक व्याख्या करा जायछि। एथिरे 8 अध्याय रहिछि एवं अर्जुनक संशय प्रकाश ओ गोपीनाथक संशय मोचन रीतिरे एहा रचित। मूल भागवत रो
अध्याय गुड़िक शेष मूल भागवत अध्याय गुड़िक शेष सूचित हेला बोली एहार अध्याय गुड़िक शेष मध्य सूचित होइछि सबुथिर शेष गुड़िक एथिरे सूचित होइ अछि। इति श्रीमद् भागवते भूगोल एकादश स्कंद हरि अर्जुन संवाद अर्थ रस बंधे नाम द्वितीय अध्याय बोली कह जाय छि माने सबुथिर शेष को एथि सूचित करा जाय अछि। दुति बोध तांकर आउ एक ग्रंथ राधा कृष्णंकर लीला एथिरे वर्णित जगन्नाथ दास श्री चैतन्य द्वारा अति बढ़ी उपाधि भूषित हेबार कारण कवि एठी वर्णना करिछंती कहउछंती विप्र कूले जन्म होई किछि न जानई अति बड़ बोलीण चैतन्य देव कही तले अति बड़ बोलीण चैतन्य चंद्र कही आउ थरे कहि रखुछि विप्र कूले जन्म होई किछि न जानई अति बड़ बोलीण चैतन्य चंद्र कही बोली एही ग्रंथरे से प्रकाश करिछंती। तापरे आउ एक ग्रंथ तांकर अनामय कुंडली अनामय कुंडली ग्रंथटी दस अध्याय विशिष्ट एथिरे मझिरे मझिरे संस्कृत श्लोक रहिअछि। एही ग्रंथटिकु लोकलोचनकु आणिछंती अध्यापक ब्रह्मानंद दास। एथिरे वैष्णव धर्मर केतेक विशेषत्व संपर्करे वर्णना रहिछि विशेष तत्व संपर्करे वर्णना रहिछि। महा नित्य स्थलर राधा कृष्ण जुगल विग्रहकु कवि स्वयं जगन्नाथ बोली कहिछंती। महा नित्य स्थलर जो राधा कृष्णंकर जुगल विग्रह ताकु से स्वयं जगन्नाथ बोली एथिरे कहा जाय अछि। एही महानित्य जगन्नाथ हेउछंती षोल कला विशिष्ट एवं तांकर गोटिए गोटिए कला हेउछंती श्री राधा ओ श्रीकृष्ण। एकदा नारद राधा समेत गोपिका मानंक निकटरे पहुँचि सेमानंकु बुझाइछंती जे मर्त्यर ब्रजलीला अनित्य होइथिबारु सेमाने नित्य लीला आस्वादन करिबा उचित एहा नवाक्षरी वृत्तरे वर्णित। आउ एक ग्रंथ तांकर आसुछि ध्रुवचरित। ध्रुवचरित ग्रंथरे जगन्नाथंक द्वारा रचित एही ग्रंथटी बंगाक्षररे मुद्रित होइ एकदा बंगलारे बहु प्रशंसा लाभ करिछि। एहा गणपति वंदनास्त कवि ही चतुर्थ स्कंदे ध्रुवर चरित्र पंक्तिरु सूचित हुए जे एहा भागवतर चतुर्थ स्कंदर एक अंश अटे। एहा 14 अक्षर वृत्तरे रचित होइथिबारु केही एहाकु मूल ओडिया भागवतर अंश बोली ग्रहण करी नाहंती मात्र मूल ओडिया भागवत बा वर्तमान पोथी आकारे उपलब्ध भागवतरे एही अध्यायटी 14 अक्षर वृत्तरे रचित अटे। राधा रमण पुस्तकालय द्वारा मुद्रित भागवतर 14 अक्षर मात्र राजकिशोर दासंक द्वारा संकलित भागवतर अक्षर संख्या हेउछि नवाक्षरी बा 9 गोटी अक्षर अटे। तेणुकरि जगन्नाथ दासंक कवि जगन्नाथ दासंक जीवनी एवं तांक साहित्य संपर्करे जो आलोचना करागला आशा करूछि परीक्षा पई प्रस्तुत हेउथिबा छात्र छात्री मानंकु निमन्ते एहा उपयोगी हेबो। तत्सहित ए समस्त तथ्यकु म आउ थरे कहि रखुछि थरे निजे लेखि रखंतु आउ बार बार ताकु देखिबा पई चेष्टा करंतु मन मध्यरे किभली क्वेश्चन हेबो बा किभली प्रश्न होइ परिबो से प्रश्नटिकु आलोचना करंतु देखिबे निहाति आपनंकु पई ए वीडियो उपयोगी हेबो आउ ए तथ्य मान मध्य आपनंकु पई उपयोगी हेबो। जदि ए वीडियोटी आपन मानंकु भल लागे ताले निहाति वीडियोटिकु लाइक करिबे कमेंट करिबे शेयर करिबे आउ ए मो चैनलटिकु सब्सक्राइब करिबा पई भूलिबे नाही। रखुछि नमस्कार।